जो मनुवादी ताकतें हैं वो भीम आर्मी के लोगों को ओपनली वीडियो वायरल करके जान से मारने की चंद्रशेखर साहब को धमकियां देते हैं, उसकी FIR दिल्ली जैसी जगह में डिफेंस कॉलोनी के जो थाना है वहां भी उसकी FIR दर्ज नहीं की जाती, कंप्लेंट भी रिसीव नहीं की जाती। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिया, बट आई विल कम टू दैट लेटर। पहले मैं आप लोगों के सामने वो बताना चाहता हूं कि सहारनपुर में किस प्रकार से सबसे पहले तो बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा गया, वहां पे बाय नेम FIR करने की कोशिश की SC ST एक्ट में, जो भीम आर्मी के लोग थे उन्होंने और जो लोकल समाज के वहां लोग थे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के, तो उनकी FIR की जाती है नामालूम लोगों के। मैं आपको वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं, छोटी सी FIR है। तहरीर, सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष कोतवाली देहात सहारनपुर, विषय राम धुन्ना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा शरारती तत्व द्वारा खंडित किए जाने के संबंध में, ये अननेम FIR की जाती है जो स्टेटमेंट दी जा रही है हमारे द्वारा लोगों ने, उसको तोड़ मरोड़ के पेश करके, हालांकि बाय नेम FIR की गई थी और वो नाम थे। शेखर पुत्र स्वर्गीय नेत्रपाल, सन ऑफ काका शुभ, सन ऑफ सुरेश मन्नू, सन ऑफ अशोक शिव कुमार, स्वर्गीय मोहन सनी, सन ऑफ अशोक और कुलदीप निहाल, सन ऑफ सुंदर, ये सारे बाय नेम थे। उसके आगे मैं जो महत्वपूर्ण बातें वो पढ़ना चाहता हूं आपके सामने के डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर कमेटी का कोई सदस्य वहां पर, ये ऊपर आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसी कार्रवाई ना हो, इस पर कार्रवाई करें। महोदय, हमारे साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमारे हिस्से की जमीन का बंटवारा करके अलग कर दिया जाए, अतः आप ये संज्ञान लें कि ये कोई विवाद आदि ना हो, क्योंकि हम लोग विवाद नहीं चाहते, अतः उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करें और हमारे गांव की फिजा खराब होने से बचाएं। महोदय, उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ SC ST अत्याचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। महोदय, उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ SC ST अत्याचार अधिनियम व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनुसार किसी भी महापुरुष का अपमान व मूर्ति खंडित करने के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करें। निवेदक समस्त ग्रामवासी धुन्ना। नरेशन सोचो, अब इसमें पुलिस FIR क्या दर्ज करती है, वो इंपॉर्टेंट बात है। FIR दर्ज की गई है दो धाराओं के तहत, भारतीय दंड संहिता की 295 और भारतीय दंड संहिता की 1860। ये जो बिहेवियर, ये पुलिस का, जबकि SC ST FIR के एक्ट के तहत FIR करने की गुजारिश खुद इस FIR में लिखी हुई, उसके बाद भी SC ST एक्ट के अंदर FIR दर्ज नहीं की जाती, जो कि ऑफेंस है अपने आप में SC ST एक्ट। अब मैं दूसरी FIR पढ़ना चाहता हूं जो इसके बाद हुई, वो किसके कहने पे हुई है, वो एक पुलिस ऑफिसर के कहने पे हुई है। उसकी भी मैं धाराएं पढ़ूंगा आपके सामने, पहले मैं आपको उसका छोटा सा शुरू का 2-3 लाइनें पढ़ना चाहता हूं। मौखिक बयान किया, आज दिनांक 10/9/2019 को श्रीमती विनोद पत्नी भोपाल सिंह प्रधान निवास सोनसो द्वारा मुझे UGC नंबर से पर अवगत कराया गया। ये जो बयान दर्ज FIR दर्ज की है SHO साहब ने किए वहां के, जिनका नाम है मुनेंद्र सिंह। तो इस और उसके बाद इन्होंने कितनी धाराएं लगाई हैं इस पे, वो भी सुन लीजिए। ये FIR नंबर है 2480 और हमारी वाली जो FIR थी वो 479 थी, तो आपने 479 तो पढ़ी ली। उसके बाद एक लंबी तहरीर SHO साहब खुद दर्ज कराते हैं और उसमें कौन कौन सी धारा लगाते हैं, 147, 48, 148, 149, 330, 332, 336, 442, 343, 343, 307, 160 और 7 अपराधिक कानून संशोधन अधिनियम। तो इस प्रकार की ब्लेटेंट वायलेशन, इसके अलावा मैं आपको इससे बड़ा क्या एग्जांपल दे सकता हूं कि ये दो FIR जो है उसमें जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार चल रही है, इससे ज्यादा इसका बड़ा सबूत कुछ और नहीं हो सकता कि हमारी कंप्लेंट्स पे जो सेक्शंस बनते हैं वो नहीं लगाए जाते और उनकी कंप्लेंट पे 70 लोगों के नाम, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा दुनिया में, और ये ट्रेंड चल रहा है, दिल्ली में भी यही हुआ, जिसको 80-90 नाम जबानी याद, नाम एड्रेस और सब ओरली सब याद हो जाता है पुलिस ऑफिसर्स को। अब इसके बाद में आपको दिल्ली की FIR दिखाता हूं, जो दिल्ली की FIR फाइल, उसमें भी एक SHO साहब की FIR कराते हैं और उसमें भी वो 95 नाम लिख के देते हैं
308 से लेकर दुनिया भर की जितने सेक्शन हो सकते हैं आईपीएम आईपीसी में सब लगा देते, यहाँ भी एसएचओ साहब ही एफआईआर कराते हैं। तो ये स्टेट वर्सेस शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की लड़ाई चल रही है, इस तरीके से इस चीज को आराम से देखा जा सकता है। क्या ये शोभा देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और उत्तर प्रदेश सरकार को आरएसएस को इस तरीके से हरकतें करने का, दैट इज द मेन इशू। इसके बाद मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं एंड देन आई विल रेस्ट माय एड्रेस। भीम सेना के जो फाउंडर मेंबर चंद्रशेखर साहब भीम आर्मी, उनके खिलाफ करणी सेना वीडियो वायरल करती है जिसमें यह साफ कहा जाता है कि उनको हम कभी भी मार देंगे, चीर देंगे और पता नहीं कौन कौन सी गालियां, वो यहां मैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा अनपार्लियामेंट्री बातें हैं वो मैं नहीं बोलना चाहता, वो सब वीडियो पे आती है, उसकी कंप्लेन की जाती है थाना दिल्ली के थाने में, डिफेंस कॉलोनी के थाने में रिटर्न तहरीर देने की कोशिश की जाती है 9 अगस्त को 2019 को और 31 अगस्त 2019 को। एसएचओ साहब किसके इशारे पे, आप लोग सब समझते हैं, हमारे बहुत ही विद्वान होम मिनिस्टर अमित शाह जी मौजूद है, एफआईआर लेने से ही मना कर देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की ललिता कुमारी जजमेंट की उल्लंघना तो है ही, लेकिन क्या दिल्ली जैसे शहर में आप ये सोच सकते हैं किसी की कंप्लेंट, वो भी इतनी सीरियस कंप्लेंट, भीम सेना आर्मी की कंप्लेंट, उनके चीफ को मार देने की खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, उनके कार्यकर्ताओं को मारने की और चीर देने की और पता नहीं किस किस तरह की बदतमीजी की, उसकी एफआईआर लेने से एसएचओ साहब इनकार कर देते हैं दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उसके बाद हमें ईमेल्स के जरिए एफआईआर करनी पड़ती है। तो इससे बड़ा सबूत बायसनेस का, डिस्क्रिमिनेशन का दुनिया में मेरे ख्याल से दूसरा नहीं हो सकता। इन लफ्जों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं, आप लोग से गुजारिश की जा रही है कि इसको आप ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करें। दिस शुड बी डाइविंग। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।